गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस टाइम पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अगस्त मंथ की टैरो कार्ड रीडिंग। तो अगस्त मंथ क्या लेकर आया है आपके रिलेशनशिप के लिए, अगस्त मंथ में कैसी रहेगी आपकी रिलेशनशिप की, आपकी मैरिड लाइफ, आपके लव लाइफ या फिर आपका कोई भी रिलेशन है, अगस्त मंथ में क्या एनर्जीज रहने वाली है, इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। तो सबसे पहले बोलना चाहूँगी जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, तो कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। मतलब आपको ये रीडिंग जब भी मिल रही है आप उस टाइम से देख सकते हैं। लेकिन वैसे है तो अगस्त 2022 की, अगस्त 2022 में क्या एनर्जीज रहने वाली है इसी चीज़ पर ही बात करेंगे और इसी चीज़ पर ही फोकस करेंगे। लेकिन अगर अगस्त मंथ में या अगस्त मंथ के बाद भी अगर आपको ये रीडिंग मिल रही है और एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो कहीं ना कहीं ये वर्क जो है वो करेगी, प्रॉपरली वर्क करेगी। क्या सिचुएशन रहने वाली है, जनरल रीडिंग है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। मतलब आपका रिलेशन कोई भी हो सकता है, किसी भी रिलेशनशिप के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो क्या एनर्जीज है चलिए देख लेते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। पॉजिटिव रहिए ताकि रीडिंग भी पॉजिटिव हो, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए एंड पॉजिटिव एनर्जीज आपको रिसीव हो। ऑलवेज पॉजिटिव रहना है, ऑलवेज हैप्पीनेस रहना है ताकि आपके अराउंड जो एनर्जीज आए, जिस एनर्जीज को आप रिसीव करते हैं वो एनर्जीज भी पॉजिटिव हो जाए। सो स्टार्ट कर लेते हैं। कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस कीजिए जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं कि क्या एनर्जीज रहने वाली हैं अगस्त 2022। क्या सिचुएशन हो रही है देखेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो आई थिंक कार्ड सफल हो चुके हैं। फर्स्ट कुछ फर्स्ट जो एनर्जीज मेरे पास आई अगस्त मंथ की, कुछ ऐसी चीजें अगस्त मंथ में होने वाली हैं आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपके लव लाइफ में, जो शायद आपने जिन चीज़ों के बारे में आई थिंक सोचते थे कभी आपके ऐसा होगा। मतलब कुछ एनर्जीज ऐसी मेरे को दिख रही हैं अगस्त मंथ में, लाइक कोई पेंडिंग पड़ा हुआ काम या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप बहुत ज़्यादा मतलब अपने रिलेशनशिप में सोचते थे कि भाई ये चीज़ हो जाए या उनका कॉल आ जाए, या फिर कुछ ब्लॉकेजेस आपने पहले पास्ट में कभी बहुत ज़्यादा देखे हैं, या फिर बहुत दिनों से हुआ आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। मतलब एनर्जीज जो अगस्त मंथ की मेरे को दिख रही है वो एनर्जीज काफ़ी सारी ऐसी दिख रही हैं जिसमें कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशन है उसमें पॉजिटिव एनर्जीज मेरे को दिख रही है, ठीक है। एंड कुछ ऐसी चीज़ें जो जो बहुत ज़्यादा मतलब कुछ ऐसी बातें जो है आपको पता चलने वाली हैं अपने रिलेशन से रिलेटेड। मतलब लाइक कुछ ऐसी सीक्रेट्स, कुछ ऐसी बातें जो शायद आप मतलब सोचते थे उन चीज़ों के बारे में कि ऐसा तो नहीं है या वैसा नहीं है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को, हर बात को आप निगेटिव्स में ही ले जाए कि भाई कौन सा ऐसा सीक्रेट्स है जो रिलेशनशिप का पता चलने वाला अगस्त में। मतलब कुछ अच्छी चीज़ें भी हो सकते हैं कि आप अपनी पर्सन के लिए सोच रहे हो कि उनकी फीलिंग्स में ट्रूनेस है कि नहीं, या आप अपनी पर्सन के लिए बस सोच रहे हो कि पता नहीं वो उनके जो फीलिंग्स है उसमें ट्रू लव है कि नहीं, या फिर आप कुछ ऐसे सीक्रेट्स के पता नहीं ये मैरिज के लिए रेडी है कि नहीं, ये रहना चाहते हैं साथ में कि नहीं। तो कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो आपको जब आपको पता चलेंगे तो आप मुंह से आपके यही निकलेगा कि वाह मैं तो ऐसा सोच ही रही थी, लेकिन ऐसा मतलब मेरे दिमाग में ही रहता था कि पता नहीं ऐसी चीज़ें पॉसिबल होंगी कि नहीं। तो एक कंफ्यूजन जो है वो क्लियर होने वाला है, क्लियरिटी मिलने वाली है अगस्त मंथ में, ये चीज़ मेरे को दिख रही है। कुछ पेंडिंग पड़े वर्क मेरे को अगस्त में प्रॉपर होते हुए दिखाई दे रहे, लाइक जैसे कि कुछ ऐसे चीज़ें जो आपकी रुकी हुई थी, बहुत दिनों से आपके पर्सन जो है वो आपको प्रपोज नहीं कर रहे थे, या फिर ब्लॉकेजेस नहीं खोल रहे थे, या अपने और आपके बीच में जो रिलेशन है उसको क्लियरिटी नहीं दे रहे थे। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है कि आप उनसे कमिटमेंट मांग रहे हो मैरिज का, या फिर आप दोनों के बीच में कोई भी ऐसी चीज़, आप खुद समझिए कि आपके बीच में ऐसी क्या चीज़ें पेंडिंग जो आप उनसे सोच रहे हो कि भाई ये पॉसिबिलिटीज कब होगी। लाइक ये भी हो सकता है कि आप रियूनियन के बारे में सोच रहे हो, काफ़ी दिनों से आपका रियूनियन नहीं हो रहा, कोई मैसेज नहीं आ रहा, कोई कॉल नहीं आ रहा, आप उनको बोल रहे हो, मतलब आपके मैसेजेस पड़े हैं बट वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन उनसे पूछ रहे हो, कुछ बात आपको उनसे जाननी है,
ठीक है, लेकिन वहां से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। अगर ऐसी एनर्जीज है आपकी तो अगस्त मंथ में कहीं ना कहीं वो एनर्जीज मेरे को आपकी क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि आप जिसमें कहीं ना कहीं आपको क्लियरिटी तो मिलेगी, साथ में आपकी पेंडिंग पड़ी मतलब आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही। मतलब अगस्त मंथ अगर पूछा जाए तो टोटल जो एनर्जीज आ रही है अगस्त मंथ की, तो काफी ज्यादा रिलेशनशिप से रिलेटेड काफी कुछ अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेंगी अगस्त मंथ में, ठीक है। वही कुछ एनर्जीज मेरे को यहाँ पर ऐसी भी मिल रही है कि अगस्त मंथ में आपकी जो पर्सन है अकेलापन फील कर सकते हैं, मतलब ठीक है, यहाँ पर एनर्जीज जो है यहाँ पर शो हो रही है, आप देख भी रहे हो कार्ड्स में, मतलब आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही है कि कहीं ना कहीं जो पर्सन मतलब जिनके बारे में आप अभी तक सोच रहे थे कि वो आपको मिस करते हैं कि नहीं, उनको आपकी केयर है कि नहीं, आपकी परवाह है कि नहीं, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वही पर्सन अगस्त मंथ में आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। एंड कहीं ना कहीं मिस करने के साथ साथ आप, क्योंकि फीलिंग्स अलोन की एनर्जीज आ रही है, वो अकेलापन बहुत ज़्यादा मिस, बहुत ज़्यादा उनको फील होगा आपके बिना, जो है उनको लगेगा कि मतलब मैं क्यों आपके बिना रह रहा हूँ, मैं क्यों इस रिलेशन को मैंने डिस्टर्ब कर दिया। आई थिंक ऐसे एनर्जीज आ रही, मतलब आपकी कमी, अगर वो आपसे आपकी कमी उनको बहुत ज़्यादा लगने वाली है और इसीलिए जो है वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जो मैंने फर्स्ट देखी थी उसमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिख रही है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो कार्ड था बैलून वाला है, यहाँ पर जो एनर्जीज कनेक्ट हो रही है वो एनर्जीज यहाँ पर यही कनेक्ट हो रही है कि जो प्रॉब्लम आपकी थी, आपके रिलेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी, वो प्रॉब्लम्स आपकी जो है वो सॉल्व होने वाली है। यहाँ पर मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, पेंडिंग पड़ी चीज़ें भी मैंने बोला आपको कि कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस हैं वो भी आपके ओपन हो सकते हैं, कुछ ब्लॉकेजेस हैं वो आपके, यानी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर आपका काफ़ी टाइम से है, काफ़ी टाइम हो गया नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है वो आपका ओपन होने वाला है, ठीक है। सो अगस्त मंथ में काफ़ी आई थिंक रियूनियन भी होंगे, ये भी चीज़ मेरे को दिख रही है, क्योंकि अगस्त मंथ की जो एनर्जीज आ रही है उसमें चांसेस मतलब पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, पॉसिबिलिटीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ मेरे को रियूनियन की दिखाई दे रही है। अच्छा, आपकी कुछ ऐसी चीज़ें कुछ रिलेशन से रिलेटेड जो लाइक अ न्यू बिगिनिंग ही समझ लीजिए, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आप जिनके बारे में सोच रहे थे कि ये पर्सन कभी प्रपोज करेंगे कि नहीं करेंगे, कभी कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपको सुनता तो बहुत ज़्यादा है लेकिन आई थिंक आपको रिप्लाई नहीं करता है कभी, और आपको हमेशा कन्फ्यूज़न लगा रहता है कि वो कभी मैसेज करेंगे कि नहीं, तो यहाँ पर वो क्लियरिटी भी आपको मिलने वाली है। कोई प्रपोज कर सकता है, किसी के साथ न्यू बिगनिंग हो सकती है, कोई ऑफर जो है वो रिलेशनशिप से रिलेटेड, अगर आप न्यू पर्सन है, आई थिंक अगर आप अभी तक आपका कोई रिलेशन नहीं है और अगर आप सिंगल है तो यहाँ पर आपको कोई प्रपोज कर सकता है इस टाइम ऑफ पीरियड में, यानी कि अगस्त मंथ। देखिए अगस्त मंथ में जो एनर्जीज मिल रही हैं मोस्टली एनर्जीज मेरे को अच्छी मिल रही हैं, लेकिन बचना किस किस चीज़ से है मैं ये भी बताना चाहती हूँ आपको, क्योंकि एनर्जीज को मैं देख रही हूँ और उसमें फोकस किया अभी तक हम लोगों ने कि किस किस चीज़ को, क्या क्या चीज़ें जो है वो आपकी अगस्त मंथ में पूरी होती हुई दिख रही हैं, पर बचना किस किस चीज़ें किस चीज़ से है अगर हम वो भी जान लें, तो जो रिलेशनशिप में जो आपकी मूवमेंट्स आएंगे या जो रिलेशनशिप में प्रोग्रेस देख रही हूँ मैं, रियूनियन देख रही हूँ मैं, अच्छी एनर्जीज को मैं रिसीव कर रही हूँ आपके लिए, तो वो चीज़ें आपकी प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू वर्क करेंगी, ठीक है। तो फर्स्ट एनर्जीज मेरे को जो आ रही है वो यहाँ पर ही आ रही है कि बहुत ज़्यादा ईगो अगर है, बाय चांस की बात है मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे को एनर्जीज क्या दिखाई दे रही है कि अगस्त मंथ में बहुत से लोग के पर्सन जो है वो कॉन्टेक्ट करेंगे, रियूनियन क्लिक करेंगे, और वो काफ़ी पुराने ब्लॉकेजेस ओपन होने वाले हैं अगस्त मंथ में, तो आपको हो सकता है कि आपको गुस्से में, आपको गुस्सा नहीं दिखाना है कि मतलब गुस्से में कि भाई अब क्यों आप बात कर रहे हो, इतना टाइम निकल गया, इतने टाइम के बाद अब आपको याद आ रही है, अब आप क्यों मैसेजेस कर रहे हो, अब ऐसा क्या, या फिर कॉल पिक नहीं करना, मैसेजेस पिक नहीं करना, तो इन चीज़ों से बचना है, बहुत ज़्यादा क्रोध से बचना है, गुस्से से बचना है, एनर्जीज को जो है वो सॉफ्ट रखना है, और जो बोलते हैं हम, जैसे क्योंकि सबसे पहले चीज़ है कि यहाँ पर थॉट चक्र, मतलब हम जो बोले वो ऐसा बोले कि सामने वाले को मतलब लगे बुरा ना लगे आपकी किसी भी बात से, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और जैसे कि मैं एक चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ, थर्ड आई चक्र का कार्ड आया मेरे पास, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ अंदेशा या कुछ ऐसी चीज़ें लाइक बहुत ही
जैसे कि मैंने बोला कि सीक्रेट्स, ठीक है, कुछ सीक्रेट्स जो है वो आपको पता लगने वाले हैं, और वो सीक्रेट्स मैंने बोला आपको फर्स्ट में ही बोल दिया कि जरूरी नहीं कि वो सीक्रेट्स नेगेटिव ही हो, पॉजिटिव सीक्रेट्स मतलब आपके पर्सन आपसे आके बोले कि हाँ भाई मैंने इतने दिन आपके बिना कैसे गुजारे, मैं किस तरीके से आपको मिस करता हूँ, लाइक इस टाइप की एनर्जीज कि पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही है। तो उसमें आपको भी कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली जो है फ्लो में जाना है, ब्रेक नहीं करना है, अपनी तरफ से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करना है कि जब काम यूनिवर्स बनाए तब कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाए। तो क्रोध पर नियंत्रण रखना है, अग्रेसिव नहीं होना है, और बोले आपके अच्छे होने चाहिए, गुस्सा बहुत ज़्यादा नहीं करना है। तो ये एनर्जीज मैंने अगस्त मंथ की आपको करना क्या है, बचना किन किन चीज़ों से आपको बता दिया। एंड करियर के लिए भी देख लेते हैं करियर में क्या एनर्जीज है, फिर मैं कुछ उपाय बता दूंगी आपको ताकि उपाय भी जो है वो आप कर सकें, ताकि आपका जो अगस्त मंथ है वो आपका वेस्ट 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 जाए। ठीक है, सो करियर में देख लेते हैं, अगर आपको करियर की रीडिंग देखनी है तो आई थिंक करियर की रीडिंग आप देख लीजिएगा, उसके बाद मैं कुछ उपाय बताने वाली हूँ आपको, ठीक है, अगस्त मंथ के लिए। अगर आप ये उपाय करते हैं तो पूरा अगस्त मंथ जो है वो आपका माइंड कूल रहने वाला है और आप छोटी छोटी टेंशनों से बचेंगे। देखिए फर्स्ट कार्ड जो है वो मेरे पास सेलिब्रेशन का है आपके करियर के लिए। तो बहुत दिनों से पड़ा बंद पड़ा करियर, यानी कि बहुत दिनों से अगर आपको कोई जॉब का ऑफर नहीं मिल रहा है, बहुत दिनों से अगर ऐसा हो रहा है कि मतलब आप सर्च कर रहे हो, अपने करियर अच्छा बनाना चाह रहे हो या फिर आप प्रोग्रेस चाह रहे हो लेकिन वो नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आपके जो एफर्ट्स हैं, जो आपने अभी तक एफर्ट्स किए अपने करियर को लेकर, अपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, अपने एग्जाम की तैयारी की, तो उनके कर्मा के फ्रूट्स जो है वो अगस्त मंथ में मिलने वाले हैं, लाइक अ सेलिब्रेशन, मतलब विद सेलिब्रेशन आपको आपके कर्मा के फ्रूट्स मिलने वाले हैं विद सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन के साथ। तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो करियर के लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है। मेहनत करते रहिए और उसके बाद फिर आप देखिए एफर्ट्स जो आप डाल रहे हो ना आप अपने करियर में या फिर जो भी, तो वो उसका जो फ्रूट्स आपको मिलेगा ना वो बहुत ही शानदार अच्छा होने वाला है। अब बात बारी उपाय की कि उपाय क्या कर लें अगस्त मंथ में जो अच्छे रहे। देखिए सबसे पहले चीज़ तो मैं अगस्त मंथ में आपको बोलूँगी कि देसी घी का जो है वो दीपक एवरी डे जलाए, मॉर्निंग टाइम में एवरी डे अगर हम अपने घर में सुबह के टाइम दीपक जलाते हैं, ठीक है, या कुछ भी ऐसे आप दीपक जला सकते हैं या फिर आप कोई भी ऐसी आप चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जो जैसे अगरबत्ती हो गया, कैंडल्स हो गए, आप जिस जो भी चीज़ यूज़ करते हैं तो उससे ना एक ऊर्जा निकलती है, एक वाइब्रेशन होती है जिससे मेरी प्योरिटी बनी रहती है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है वो आती है। दूसरी चीज़ शनिवार के दिन काली उड़द का दान करें, काले तिल का दान कर सकते हैं, किसी गरीब को भोजन करा सकते हैं, इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। घर से निकलने से पहले एक हल्दी का या केसर का तिलक जो है वो लगा कर ज़रूर निकले, बहुत अच्छा रहता है, पवित्र रहता है, जिससे कि आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो और एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपकी लाइफ में आती रहे। सो ये छोटे से उपाय करें, को रिलेशनशिप हो, आपका करियर हो, अगस्त मंथ की तैयारी शुरू कर दें। एंड टेक केयर, बाय बाय।